हेलो फ्रेंड, आज हम इन्फोएज इंडिया लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कंपनी की बिजनेस के बारे में, करेंगे उसका ब्रांड ओवरव्यू, जानेंगे कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में, जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और भी बहुत कुछ कंपनी से रिलेटेड चीजें जानेंगे। और हाँ, लास्ट में हम कंपनी का बेसिक रेशियो एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द कंपनी, इन्फोएज इंडिया लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है विथ ए पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स। कंपनी ओन करती है बहुत से ब्रांड को इन डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि naukri.com इन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, 99acres.com इन ऑनलाइन रियल इस्टेट, jeevansathi.com इन ऑनलाइन मैट्रिमोनियल एंड शिक्षा.com इन ऑनलाइन एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। कंपनी अपने आप में एक इन्वेस्टर भी है, उसने बहुत से ऑनलाइन स्पेस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है और वो एक्टिवली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ग्रो कर रही है। अगर हम कंपनी के वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का मतलब है कंपनी जिन एरिया में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। रिक्रूटमेंट कंपनी का लार्जेस्ट बिजनेस वर्टिकल है जो रन करता है अंडर द ब्रांड naukri.com। ये कंपनी का लॉन्ग स्टैंडिंग एंड प्रॉफिटेबल वर्टिकल है जहाँ से वो सबसे ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करती है। कंपनी ने अपने इस एरिया को और ज़्यादा एक्सटेंड किया है बाय ऑफरिंग नीच सेगमेंट प्रोडक्ट्स लाइक iimjobs.com, bigship.com, jobhai.com, नौकरी फास्ट फॉरवर्ड सर्विसेज एंड ambitionbox.com। कंपनी अपने इस फील्ड में सबसे बड़ी प्लेयर है, लगभग 90% ट्रैफिक शेयर को कैप्चर किया है कंपनी ने उसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले। कंपनी 100% से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है इस इंडस्ट्री में ड्यू टू इट्स डोमिनेंस। अगर रियल इस्टेट वर्टिकल की बात करें तो कंपनी सोल ओनर है रियल इस्टेट ब्रांड की, दैट इज 99acres.com। इस वर्टिकल में भी कंपनी ने अपनी लीडरशिप पोजिशन को मेंटेन किया है। इस फील्ड में 40% से ज्यादा ट्रैफिक शेयर को कंपनी ने कैप्चर किया है। अगर कंपनी के पेड लिस्टिंग की बात करें तो इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो नंबर 3 मिलियन से 3.4 मिलियन तक ग्रो हुआ है। इस वेबसाइट पे टोटल लिस्टिंग का 64% पेड लिस्टिंग हुआ है। प्रेजेंटली इस वेबसाइट पे 82% कस्टमर ब्रोकर्स हैं और बाकी के 18% बिल्डर्स हैं, जबकि ब्रोकर अकाउंट से ओनली 52% पेइंग कस्टमर्स हैं और बिल्डर अकाउंट में से 42% पेइंग कस्टमर्स हैं। अगर कंपनी की मैट्रिमोनियल वर्टिकल की बात करें तो कंपनी मैट्रिमोनियल वेबसाइट jeevansathi.com को ओन करती है जो मार्केट के 3 बड़े प्लेयर में शामिल है। इस वर्टिकल के थ्रू कंपनी ने रीओरिएंट किया है अपने बिजनेस फोकस को ऑन सर्टेन स्पेसिफिक कम्युनिटीज विथ ए क्लियर थ्रस्ट इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। कंपनी के 90% से ज्यादा यूजर्स जीवनसाथी को अपने मोबाइल से एक्सेस करते हैं, जिस वजह से कंपनी का मोबाइल ऐप कंटिन्यू टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। अगर हम एजुकेशन वर्टिकल की बात करें तो कंपनी ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस में प्रेजेंट है विथ ए ब्रांड शिक्षा.com। कंपनी ने इस वेबसाइट स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया है एज ए प्लेटफॉर्म जो हेल्प करता है स्टूडेंट को रिसर्च में और अप्लाई करने में इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बाय प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन कैरियर्स, एग्जाम, कॉलेजेस एंड कोर्सेस। जैसा हमने देखा अभी तक कंपनी मल्टीपल ब्रांड को रन करती है। हर एक ब्रांड को कंपनी की इंडिपेंडेंट टीम मैनेज करती है with their respective management model that are well supported by the corporate functions like IT, finance, administration and human resource management. अगर कंपनी की इन्वेस्टिंग कंपनी की बात करें तो कंपनी ने अपने बिजनेस स्कोप को और ज्यादा बढ़ा लिया है as a financial investor by investing in brands that have been conceptualized and developed by separate enterprises. कंपनी इन्वेस्ट करती है इन enterprises में through its subsidiaries, Startup Investment Holding Limited, और कंपनी ने एक नया फंड सेटअप किया है InfoEdge Venture Fund, जिसके लिए कंपनी ने 750 करोड़ का कर्पस प्रपोज किया है। कंपनी ने 350 करोड़ का अमाउंट कमिटेड किया है इस स्कीम के लिए, जिसमें से 150 करोड़ कंपनी ऑलरेडी डिसबर्स कर चुकी है। कंपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि वो टोटल कर्पस का 50% रेज कर सके फॉर कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम। अगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट को देखें तो
कंपनी के पास जोमाटो का 19.3% स्टेक है, पॉलिसी बाजार का 15.1% स्टेक है, नो पेपर फॉर्म का 48.1% स्टेक है, हैप्पीली अनमैरिड उस्त्रा का 32.7% स्टेक है एंड सो ऑन। अब जानते हैं कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में। कंपनी का 70% रेवेन्यू रिक्रूटमेंट वर्टिकल से आता है, कंपनी का 17% रेवेन्यू रियल इस्टेट वर्टिकल से आता है, कंपनी का बाकी 13% रेवेन्यू मैट्रिमोनियल वर्टिकल और एजुकेशनल वर्टिकल से आता है। अब जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। मिस्टर संजीव बिगचंदानी जो कंपनी के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है, मिस्टर कपिल कपूर जो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, मिस्टर हितेश ओबरॉय जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है, मिस्टर चेतन ठक्कर जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, मिस्टर अरुण दोगल जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मिस्टर आशीष गुप्ता जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस्टर सौरभ श्रीवास्तव जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस्टर नरेश गुप्ता जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस बाला देश पांडे जो कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस्टर शरद मलिक जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस गीता माथुर जो कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब जानते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास कंपनी का 38.41% स्टेक है, पब्लिक के पास कंपनी का 10.81% स्टेक है, DIIs के पास कंपनी का 11.25% स्टेक है, FIIs के पास कंपनी का 39.33% स्टेक है। अगर प्रमोटर प्लेजिंग की बात करे तो 0% स्टेक प्लेज है, जो एक गुड साइन है मैनेजमेंट को लेके। अब जानते हैं कंपनी की सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनीज के बारे में। कंपनी की 11 सब्सिडियरी कंपनीज हैं, नौकरी इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड, ऑल चेक डील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीवन साथी इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, मेक सेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हाई ऑर्बिट कैरियर प्राइवेट लिमिटेड एंड सो ऑन, जिन्हें आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे। कंपनी की 11 एसोसिएट कंपनीज भी हैं, जोमाटो प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीली अनमैरिड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, नो पेपर फॉर्म सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल एजुकेशनल गेटवे प्राइवेट लिमिटेड, शॉप किराना ई ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सनराइज मेंटर प्राइवेट लिमिटेड एंड सो ऑन। अब जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का टोटल रेवेन्यू इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। कंपनी का टोटल रेवेन्यू इन लास्ट 5 ईयर्स में 4% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का EBITDA इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। कंपनी का EBITDA इन लास्ट 5 ईयर्स में 32.2% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का EBITDA मार्जिन इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। कंपनी का EBITDA मार्जिन इन लास्ट 5 ईयर्स में अबव 12.33% रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लास्ट 5 ईयर्स में 2.9% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का पैट मार्जिन इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। कंपनी का पैट मार्जिन इन लास्ट 5 ईयर्स में अबव 15.13% रहा है। अब करते हैं कंपनी का बेसिक रेशियो एनालिसिस। कंपनी का करेंट रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। करेंट रेशियो का थंब रूल है 2:1, यानी अगर ये रेशियो 2 या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का क्विक रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। क्विक रेशियो का थंब रूल है 1:1, यानी अगर ये रेशियो 1 या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। डेट टू इक्विटी रेशियो का थंब रूल है 1:1, यानी अगर ये रेशियो 1 से कम हो तो बेटर। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। ये रेशियो जितना हाई हो उतना बेटर, यानी 5 या 6 टाइम ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का EPS इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। एज एन इन्वेस्टर कंपनी का EPS जितना ज्यादा हो उतना बेटर, ताकि हमें ज्यादा डिविडेंड मिले। कंपनी का ROE इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। एज एन इन्वेस्टर ROE 20% या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का ROCE इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। एज एन इन्वेस्टर ROCE 20% या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का ROA इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा। ये रेशियो जितना हाई हो उतना बेटर, इससे आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी तो पहले आप ज्यादा से ज्यादा कंपनी के बारे में
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, ड्यू डिलीजेंस को अप्लाई करे और फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। किसी के भी कहने पर शेयर्स को बाय या सेल ना करें। कंपनी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और दूसरी जेन्युइन वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।